ये है कचरी की चटनी। यही रेसिपी आप लोगों को खास कर मैं बताऊंगी, बाकी आज अपना पूरा लंच दिखाऊंगी मैं। और ये बनके हो गई है मेरी दाल रेडी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। और ये सब्जी है, सूखी सब्जी है, ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करके देखना। और अब मैं यहाँ पे अपना जो ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, बहुत लंबे समय के बाद मैं पराठा खा रही हूँ। बेसिकली घर पे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आए हुए थे तो उनके लिए ये बनाया था, तो सोचा आज मैं भी पराठा खा के और मस्त हो जाती हूँ। और ये पराठा बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, इसमें ना कई सारी चीज़ें मैंने डाल के और तब ये पराठा बनाया था। तो इस पराठे का भी मैं कभी ना कभी आप लोगों के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और ये जो पराठा है, और साथ में मैं ले रही हूँ कॉफ़ी। बेसिकली चाय मैं नहीं पीती हूँ, कभी कभी गले में प्रॉब्लम होती तो मैं चाय लेती हूँ, तो इसका मैं एंजॉय कर रही हूँ। और यहाँ टीवी पे मैं कथा सुन रही हूँ, कथा सुनते सुनते अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखते होंगे। और आज मैं लोग थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि बेसिकली आज मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड आ गए थे, तो अभी बस ये जो है ब्रेकफास्ट बना के और उनको खिला के, और वो गए हैं कहीं जिन गाँव को जाना था। और अब मेरा जो है लोग स्टार्ट हो रहा है। मैंने कॉफ़ी पी है, एक मैंने खाया पराठा, बहुत टाइम के बाद मैंने पराठा खाया है। और मेरा अब काम शुरू होगा, बस मैंने झाड़ू पोछा किया है और डस्टिंग की है। तो अब ये देखो, ये मेरी किचन पूरी फैली हुई है, तो मैं अपने किचन को समेट देती हूँ और फिर लंच की तैयारी करूँगी। आज मैंने चेंज करनी है गद्दे बेड की चद्दर, तो इसको मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि मैं 5-6 दिन में है ना चद्दर चेंज कर लेती हूँ। बाकी तो इतना छोटे बच्चे हैं ना, कोई ऐसा वो है, मैली तो नहीं होती है, लेकिन मुझे रहता है कि कई दिन हुई है तो चेंज कर लेनी चाहिए, तो इसको मैं कर लेती हूँ चेंज। चादर चेंज और पिलो कवर, गद्दी कवर भी चेंज कर दिए हैं। और अभी मैं लगाऊंगी मशीन। अब मैं जाती हूँ अपने किचन में और लंच की मैं तैयारी करती हूँ। अब कुकर में मैंने चने की और मूंग, जो धुली हुई होती है ना मूंग की दाल, वो डाल दी है। हल्दी और नमक डाल दिया है। अब इसको सिम आँच पे रख दूंगी, भी वही नहीं है, सिम आँच पे रख दूंगी। और थोड़ा सा इसमें 1 चम्मच घी डाल दूंगी, ताकि घी चलाए तो जो दाल का पानी है वो बाहर ना आए। आप इसको बंद कर देते हैं। अब इस गैस पे दूध गर्म हो रहा है, इसमें दाल रख दी और इसमें मैं बनाऊंगी सब्जी। ये कुछ साबुत जो है मसाले ले लिए हैं, इसमें लौंग, काली मिर्च, साबुत धनिया, जीरा और ये तेज पत्ता और लाल मिर्च। इसको ड्राई रोस्ट करके और इसको मोटा मोटा दरदरा कूट लेंगे। और जो आलू और बैंगन की मैं सब्जी बना रही हूँ, उसको हल्का सा शैलो फ्राई कर लूँगी, यानी थोड़ा सा, जैसे थोड़ा सरसों का तेल डाला मैंने और सोटे कर लिया और उसके बाद बनाऊंगी। तो मैं बताती हूँ, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। तो इसको मैं इसको ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ और ये जो है, ये कचरी जो आजकल आई हुई है ना,
छोटी छोटी जो आती हैं उसको मैं ला के और अच्छे से धो के और काट के धूप में सुखा लेती हूँ, और फिर इसका पाउडर बना के मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। तो एक साल तक, ये दो साल तक भी ख़राब नहीं होती है। तो एक मैं इसकी चटनी बनाऊंगी, कैसे बनेगी वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। खाना तो रूटीन में चलता रहता है, लेकिन कचरी की जो सब्ज़ी है ना बहुत टेस्टी लगती है। और टिंडी का घी है और लस्सी भी है, रायता बनाऊंगी मैं, दही के साथ खा सकते हो, लस्सी के साथ ले सकते हो चटनी को, बहुत मस्त लगती है। तो ये बेसिकली आज मैं कचरी की चटनी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये ड्राई रोस्ट हो जाते हैं और फिर मैं कुक लेंगी उनको। मेरे पास सिलबट्टा भी है और मेरे पास ये, इसको हम कुंडी बोलते हैं, तो आप लोग क्या बोलते हैं इसको मुझे ज़रूर बताना। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो। और दाल है उसमें एक भी सिलाई तब तक ही मैं रखूंगी, सिम पे रखी हुई है, बहुत बढ़िया आराम से बन जाएगी ये सिम आँच पे। और मसाले भी भून चुके हैं, इसको बंद कर दूंगी मैं बंद। अब थोड़े से ये ठंडे हो जाएंगे ना तब मैं इनको फूट लूँ। अब देखो ये मैंने ऐसे दरदरा कूट लिया है, ऐसे मसाला डालोगे ना सब्जी मस्त बनेगी। और इसमें सरसों का तेल डाल के मैंने गरम कर लिया है और गैस को बंद कर दिया था ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि एकदम से हम इसमें कोई भी सब्जी डालते हैं या कोई भी मसाला डालते हैं तो वो जल जाता है। तो अब मैं ऑन कर लूँगी और मंदी आँच पर रख दिया मैंने। अब मैं ये जो आलू है ये जो काट के रखे हुए हैं ये डाल दूँगी इसमें, और एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल मैंने इसमें डाल रखा है। इसको बेक कर लूंगी और इसको 60% पका लेंगी, और उसके बाद इसको निकाल के फिर बैंगन फ्राई करूंगी, यानी शैलो फ्राई करूंगी। ये देखो एक बड़ा चम्मच तेल इसमें डाला हुआ है, और जैसे आलू थोड़े से शैलो फ्राई हो रहे हैं तो जब तक मैं क्या करूँगी जो कचरी की चटनी है वो मैं बना लूँगी। तो ये डाल लें हमने साबुत धनिया एक चम्मच, और कच्चा जीरा ये भी एक चम्मच डाल लेना है, और अब इसमें नमक डाल लेंगे। अब इसको अच्छे से बारीक कर लेंगे, जितना बारीक करोगे ना आप इस चटनी को उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी ये। और सिलबट्टे पे बनाओ या इसमें कुंडी में बनाओ बहुत टेस्टी बनती है सिलबट्टे पे, बल्कि और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो एक साथ में तीन काम कर रही हूँ, एक गैस पे मेरी सब्जी बन रही है, एक जो है दाल चढ़ा रखी है, और अब यहाँ पे मैं चटनी बना लेती हूँ। मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए इंसान को, एक टाइम में एक काम करोगे तो काम बहुत लेट होता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, एक बार में दो तीन काम, उधर मेरी मशीन लगी हुई है तो ये मेरे चार काम हो जाएंगे साथ में। अब इसमें जो कचरे का पाउडर है वो डाल देंगे, और इसको ना सब्जी में भी डालोगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनती है, इससे थोड़ी खट्टी खट्टी बन जाती है, मस्त वाली सब्जी बनती है। अब इसमें मैं लाल मिर्च डाल देती हूँ क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा लाल मिर्च से, और ये तीखे वाली लाल मिर्च है। आपके पास कोई भी मिर्च है आप तीखा नहीं खाना पसंद करते हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो, बाकी कलर वाली डाल सकते हो आप। इसमें कलर देना बहुत ज़रूरी है, तब ये देखने में सुंदर लगेगी उतनी खाने में टेस्टी लगेगी।
अब इसमें आप यहाँ पे लस्सी डाल सकते हो या आप इसमें दही डाल सकते हो। तो मैं यहाँ डालूंगी दही। चार चम्मच दही डाल दूंगी इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखो कलर कितना बढ़िया आ गया ना। और अब इसको मैं और बारीक, जैसे इसको जितना भी जितनी मेहनत करोगे ना इस चटनी में उतनी ही लाजवाब बनेगी। और इधर मेरे आलू हो गए हैं, पहले मैं उनको निकाल लेती हूँ और उसमें बैंगन डाल देती हूँ। तो ये लगभग तो बन गई है, बस इसको थोड़ा और रगड़ना है। और लिक्विड ही और चाहिए तो इसमें आप और दही ऐड कर सकते हो या लस्सी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ मेरे आलू की अभी देखो ये 60% पक चुके हैं, अब इनको निकाल लूंगी। ऐसे ना सब्जी थोड़ी सी जल्दी भी बन जाती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब ये बैंगन भी हो गए हैं, अब निकाल लेते हैं उनको। अब लगाते हैं सब्जी में तड़का। अब इसमें थोड़ा सा डाल देंगे जीरा और दो डालेंगे साबुत मिर्च और डाल देंगे प्याज। और ये चटनी होगी है बिल्कुल रेडी। अच्छा, ये मैंने बगैर लहसुन के बनाई है, आप लहसुन डाल के बनाओगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो वो जो भाई साहब आए हुए हैं वो पता नहीं लहसुन खाते हैं या नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने ये चटनी जो है वो बगैर लहसुन के बनाई है। तो अगर लहसुन नहीं खाते होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए मैंने बगैर लहसुन की चटनी बनाई है। तो आप लहसुन डाल के बनाओगे ना तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और मैं निकाल लेती हूँ। अब ये होगी है बिल्कुल रेडी और इसका ढक्कन लगा के और मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में। और ये जो चटनी है आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक आराम से चला सकते हो, ये कभी भी ख़राब नहीं होती है। अब देखो किचन का काम मैंने कर लिया है पूरा और बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन किचन होगी है मेरी। तो ये देखो ये यहाँ पे दूध ठंडा हो रहा है, ठंडा हो जाएगा मैं फ्रिज में रख दूँगी। और मैं दिखाती हूँ सब्जी, ये सब्जी उनकी है। और दिखाते हैं दाल, ये बन गई है दाल। तो आज का व्लॉग हो गया है मेरा पूरा, होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगा ये। और ये जो कचरी की चटनी है ये तो आप जरूर से बना के देखना, बहुत मस्त लगती है। और टिंडे का घी निकाल लेना, बहुत मस्त लगेगी। और साथ में ले लेना लस्सी। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। जो रेसिपी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की वो भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए, आप अपने और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना, हेल्दी बनाना, हेल्दी खाना और हेल्दी ही रहना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में और किसी नई रेसिपी के साथ, नई कोई रेमेडी के साथ। तब तक क्या करना है, परिवार के साथ बैठ के बहुत ही अच्छा अच्छा टाइम स्पेंड करना है। तो चिल्ड्रेन टेक केयर, bye-bye.